आप देख रहे हैं सत्य और राष्ट्र के लिए समर्पित यूपी बुलेटिन लाइव डॉट कॉम की रिपोर्ट, जो आपको रखे सबसे आगे। जानसठ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जानसठ नगर इकाई द्वारा नीट स्नातक परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच कराने के लिए केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के नाम उपजिलाधिकारी जानसठ को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य कपिल कुमार ने बताया कि 4 जून को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट स्नातक का प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें अनेक प्रकार से गड़बड़ी पाई गई। उन्होंने बताया कि परीक्षाफल में 67 परीक्षार्थियों को 100% अंक देकर प्रथम रैंक दी गई तथा 2 परीक्षार्थी ऐसे पाए गए हैं जिनके अंक 718 एवं 719 है, जबकि परीक्षा के नियमानुसार ऐसा होना असंभव है। यदि किसी परीक्षार्थी का एक प्रश्न गलत पाया जाता है तो नकारात्मक अंक कटौती करने पर 715 अंक बैठते हैं या प्रश्न हल न करने पर 716 अंक मिल सकते हैं। इस प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि परिणाम में व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। नगर मंत्री निखिल सैनी ने बताया कि आज इस गड़बड़ी को लेकर अभाविप ने केंद्रीय मंत्री के नाम SDM जानसठ की अनुपस्थिति में उनके आशुलिपिक को ज्ञापन दिया है, जिसमें त्रिसूत्रीय मान की गई है। उन्होंने बताया कि अभाविप ने परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कर पुनः निष्पक्ष परिणाम घोषित किया जाए, इस धांधली के दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा पूरी प्रवेश प्रक्रिया की CBI जांच की जाए, ताकि विद्यार्थियों को निष्पक्ष न्याय मिल सके। तहसील संयोजक मनीष कुमार ने कहा कि अभाविप सदैव छात्र हित में कार्य करता है, इस प्रकार की कार्यप्रणाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व तहसील संयोजक कार्तिकेय दीक्षित ने कहा कि यदि शीघ्र अति शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ABVP छात्र हित में उग्र धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका पूर्ण दायित्व सरकार का होगा। इस मौके पर मुख्य रूप से वंश कुमार, रमन, आरव सैनी, अजय, अभिषेक, आदित्य धीरवान, अंकित, पुलकित सिंघल, विशु कुमार, आदित्य आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या पद है और किस लिए तहसील में आए हैं? मैं कपिल कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज हमने जो नीट का अभी एग्जाम हुआ था 5 मई को, उसका 4 जून को रिजल्ट आया है, लेकिन उस रिजल्ट में बहुत सी अनियमितता पाई गई है। उसी के विरोध में आज हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है। SDM साहब के अनुपस्थित में जो उनकी स्टैनो है उनको ज्ञापन दिया है और हमने उनसे मांग की है कि जितनी भी अनियमितता हुई है उसकी CBI जांच मांग की जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और कोई मांग? दूसरी मांग यह है कि जो रिजल्ट जारी हुआ है उसका पूर्ण मूल्यांकन कराने के बाद उसे पुनः जारी कराया जाए।